सम्मानित शिक्षक साथियों, ये चार SB एजुकेशन एंड मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि साथियों, निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑनलाइन इस समय चल रहा है। विद्यालय में स्वास्थ्य एवं कल्याण से आपने क्या सीखा, भाग 3 मॉड्यूल नंबर 3 का प्रशिक्षण हम लोग ले चुके हैं, और जो नहीं भी लिए हैं ये आज और कल में 30 से 31 अक्टूबर तक कंप्लीट कर लेंगे। जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है, सामाजिक एवं मानसिक स्वास्थ्य क्या है और इस प्रशिक्षण से हम लोगों ने क्या सीखा है, अपनी समझ को परखें। 25 बहुविकल्पी प्रश्न के माध्यम से आपको 18 मॉड्यूल ऑनलाइन प्रशिक्षण के उपरांत ऑफलाइन परीक्षा जो संचालित होनी है, आयोजित है, उसके लिए ये 25 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण, बहुत ही खोज करके हमने आपके वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का कोशिश किया है। साथियों, यदि YouTube चैनल पर अभी तक आपने हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नोटिफिकेशंस के माध्यम से आप तक निष्ठा प्रशिक्षण या बेस शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें, यही हमारा लक्ष्य है। और देखते रहिएगा, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाँ, जैसा कि साथियों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन एक शारीरिक योग्यता के विकास में मदद करने वाली गतिविधि नहीं है? पहला ऑप्शन खेल, दूसरा योग, तीसरा मोबाइल में गेम खेलना, चौथा जिम्नास्टिक। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, क्योंकि शारीरिक योग्यता के विकास में मदद करने वाली गतिविधि मोबाइल में गेम खेलना नहीं है, इसलिए ये करेक्ट आंसर सी होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, एम के कितने सिद्धांत हैं? A 5, B 4, C 6 और D 3। एम के कितने सिद्धांत हैं? यहाँ पर 5 सिद्धांत हैं, विकल्प ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन यम का सिद्धांत नहीं है? विकल्प ए अहिंसा, शौच, ब्रह्मचर्य, अस्तेय। यहाँ पर शौच कौन यम का सिद्धांत नहीं है, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय यम के सिद्धांत हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन नियम का सिद्धांत नहीं है? संतोष, तपस, ईश्वर प्राविधान, अस्तेय। विकल्प चौथा यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन नियम का सिद्धांत नहीं है? अस्तेय। विकल्प नंबर क्वेश्चन नंबर 5, नियम के कितने सिद्धांत हैं? 4, 8, 7, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, नियम के कितने सिद्धांत हैं? यहाँ पर इनमें से कोई भी नहीं ऑप्शन करेक्ट होगा, ना ही 4 हैं, ना 8 और ना 7। क्वेश्चन नंबर 6, विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण नामक मॉड्यूल में किस बात पर विशेष ध्यान रखा गया है? शिक्षा को जेंडर भेदभाव से मुक्त रखना, शिक्षा को समावेशी बनाना, योग के सारे नियम सिखाना। विकल्प ए और बी दोनों सही हैं। यहाँ पर शिक्षा को जेंडर भेदभाव से मुक्त रखना, शिक्षा को समावेशी बनाना, ये करेक्ट डी आंसर सही है, जो दोनों को सम्मिलित किया गया है विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण मॉड्यूल में। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण के शिक्षण शास्त्र और संसाधन क्या हैं? केस अध्ययन, भूमिका निर्वहन की स्थिति, स्वास्थ्य शिक्षण गतिविधियाँ, उपर्युक्त सभी। विद्यालय में स्वास्थ्य कल्याण के शिक्षण शास्त्र और संसाधन क्या हैं? यहाँ पर चौथा ऑप्शन उपर्युक्त सभी होगा, क्योंकि
केस अध्ययन, भूमिका निर्वहन की स्थिति, स्वशिक्षण गतिविधियाँ इसमें सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण नामक प्रशिक्षण के पश्चात एक शिक्षक किन चीज़ों में सक्षम होंगे? स्वास्थ्य और कल्याण की अवधारणा को समझने में। विकल्प बी, विद्यालय में बच्चों के लिए स्वस्थ वातावरण के महत्व को समझने में, बच्चों के बीच स्वस्थ मनोबल और व्यवहार को विकसित करने के लिए अपनाई जाने वाली शैक्षणिक प्रक्रियाओं के बारे में समझने में उपर्युक्त सभी। चौथा ऑप्शन करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 8 का डी ऑप्शन करेक्ट है। एंड क्वेश्चन नंबर 9, शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में क्या सत्य है? विकल्प ए, हमारे समग्र स्वास्थ्य का केवल एक पहलू है। विकल्प बी, यह बीमारी या चोट से मुक्त होने की अवस्था है। शारीरिक स्वास्थ्य की समझ के लिए शारीरिक विकास, शारीरिक योग्यता, स्वस्थ और स्वच्छ भोजन की आदतों आदि के बारे में जागरूकता की आवश्यकता होती है। यहाँ उपर्युक्त सभी। चौथा विकल्प करेक्ट है, शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में ये सभी सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सामाजिक स्वास्थ्य क्या है? सोशल हेल्थ, दूसरों के साथ और पर्यावरण के साथ तालमेल, समूह में काम करना, व्यक्तिगत संबंधों की संतुष्टि, उपर्युक्त सभी। यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 11 नंबर क्वेश्चन, भावनात्मक स्वास्थ्य के बारे में क्या सत्य है? व्यक्ति आरामदायक महसूस करने के लिए भावनाओं को नियंत्रित और प्रबंधित कर सकता है। विकल्प बी, लोग भावनात्मक रूप से स्वस्थ होते हैं। लोग अपनी भावनाओं को सफलतापूर्वक व्यक्त करने में सक्षम होते हैं। विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। यह ऑप्शन चौथा करेक्ट है, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में क्या सत्य नहीं है? मानसिक स्वास्थ्य कल्याण की स्थिति है। इसमें व्यक्ति अपनी क्षमताओं का एहसास करता है। विकल्प सी, अपने समुदाय में योगदान करने में सक्षम होता है। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में क्या सत्य नहीं है? यहाँ उपर्युक्त सभी सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, क्या मानसिक स्वास्थ्य दैनिक जीवन और संबंधों को प्रभावित कर सकता है? हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं, उपर्युक्त सभी। क्या मानसिक स्वास्थ्य दैनिक जीवन और संबंधों को प्रभावित कर सकता है? यहाँ पर हाँ ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि उसी पर प्रभावित दैनिक जीवन होता ही है। क्वेश्चन नंबर 14, WHO का फुल फॉर्म क्या होगा? विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व सामाजिक संगठन, विश्व विरासत संगठन। डी, उपर्युक्त सभी। यहाँ पहला विकल्प करेक्ट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का फुल फॉर्म होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। एंड 15 नंबर क्वेश्चन, मानसिक स्वास्थ्य में क्या शामिल नहीं है? मनोवैज्ञानिक लचीलापन प्राप्त करना, जीवन गतिविधियों और प्रयासों के बीच संतुलन बनाना, जीवन का आनंद लेने की क्षमता विकसित करना, इनमें से कोई नहीं। मानसिक स्वास्थ्य में क्या शामिल नहीं है? इनमें से कोई भी विकल्प करेक्ट नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तनाव में क्या शामिल नहीं है? भय, अपराध बोध, घबराहट, इनमें से कोई नहीं। विकल्प डी करेक्ट आंसर है 16 नंबर का। एंड 17 नंबर, तनाव का असर किन चीज़ों पर पड़ता है? शैक्षणिक प्रदर्शन, क्रियाशीलता, व्यवहार, उपर्युक्त सभी। यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, 17 नंबर में करेक्ट है। तनाव का असर सभी चीज़ों पर पड़ता है, शैक्षणिक प्रदर्शन पर भी, क्रियाशीलता पर भी और व्यवहार पर भी, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18, बीमारी या विकार निरंतरता में व्यक्ति के अंदर क्या लक्षण दिखते हैं? नींद या खाने में कठिनाई, क्वेश्चन ऑप्शन बी, आत्महत्या की प्रवृत्ति,
क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी सामाजिक अलगाव, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। यहाँ पर सभी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल उपर्युक्त सभी ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, क्योंकि सभी बीमारी या विकार में समस्याएं उत्पन्न करते हैं, उसके लक्षण को प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों का शारीरिक विकास स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण घटकों में से एक है, सत्य है असत्य है न सत्य है न असत्य है, डी ऑप्शन पता नहीं। बच्चों का शारीरिक विकास स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण घटकों में से एक है, यह सत्य है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। हमारे शरीर में परिवर्तन सामान्य हैं, प्राकृतिक हैं, स्वस्थ हैं, उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे शरीर में परिवर्तन होता है, इस संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए शारीरिक परिवर्तन पहले होता है, ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक परिवर्तन दूसरे क्रम पर होता है, ऑप्शन सी सामाजिक परिवर्तन सबसे बाद में होता है, ऑप्शन डी निश्चित नहीं होता है। हमारे शरीर में परिवर्तन होता है, इस संबंध में कौन सा कथन स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन डी यहाँ पर निश्चित नहीं है, ये ऑप्शन डी 21 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट होगा। साथियों ज़्यादा नहीं है अभी क्वेश्चन, अंत तक बने रहिएगा ताकि कौन सा क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम में ऑफलाइन एग्ज़ाम में पूछा जाए ये किसी को नहीं मालूम, तो जुड़े रहिए। क्वेश्चन नंबर 22 चेहरे के बाल दिखाई देना लक्षण है, लड़कों का लड़कियों का दोनों का इनमें से कोई नहीं, ये बहुत ही तार्किक और लॉजिक क्वेश्चन है। चेहरे के बाल दिखाई देना लक्षण है लड़कों का, क्योंकि उनके मूछ दाढ़ी आ जाती है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चपलता संबंधित है तीव्रता से, हिलने डुलने से, शारीरिक गतिविधियां करने की क्षमता, फुर्तीलापन, इनमें से कोई नहीं। तीव्रता से, हिलने डुलने से, शारीरिक गतिविधियां करने की क्षमता, फुर्तीलापन, यहाँ इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, यहाँ पर डी ऑप्शन इस करेक्ट होगा, चपलता संबंधित इन तीनों चीज़ों में से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 प्राणायाम में क्या शामिल नहीं है? पहला ऑप्शन अनुलोम विलोम, बी ऑप्शन सितकारी, सी भ्रामरी, डी कपाल भांति। जो शिक्षक बंधु योगा से जुड़े हुए होंगे वो इसका कॉन्सेप्ट स्वास्थ्य एवं कल्याण का एकदम क्लियर होगा उनका, ताकि उनसे मिलता जुलता ये पूरा पाठ्यक्रम है। प्राणायाम में क्या शामिल नहीं है? अनुलोम विलोम, सितकारी, भ्रामरी, कपाल भांति। अब ऑप्शन डी कपाल भांति प्राणायाम में शामिल नहीं है, अनुलोम विलोम, सितकारी और भ्रामरी ये प्राणायाम में शामिल हैं, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन संतुलित आहार में शामिल है, बैलेंस्ड डाइट में क्या क्या हमारे सम्मिलित होता है? ऑप्शन ए भूख लगे तो मैगी खा लेना, ऑप्शन बी चाउमीन पिज्जा बर्गर खाना, ऑप्शन सी दूध पीकर रह लेना, ऑप्शन डी उचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा और विटामिन से युक्त भोजन लेना। संतुलित आहार का कंपोजिशन ऑप्शन डी करेक्ट है, संतुलित आहार में ये सारी चीज़ें सम्मिलित होना चाहिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए एक निश्चित अनुपात में, प्रोटीन वसा और विटामिन भी युक्त भोजन होना चाहिए। तो शिक्षक साथियों अगर ये वीडियो समझ में आपको पसंद आया है तो इस वीडियो के अंत में प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, धन्यवाद। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और
इस चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि नए अपडेट्स जो भी इससे रिलेटेड वीडियोस आएंगे इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।